जो अखिलेश यादव हैं वो योगी सरकार के सामने सशक्त विपक्ष नहीं खड़ा कर सकते, क्या ये मान लिया जाए? मैं आशुतोष जी एक दो चीजें याद दिला दूं जो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट थे और उससे आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं प्री पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोस्ट पोल इलेक्शन हो गया इनके। एक तो प्रेम भाई आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपने जब कहा तो मैंने ये चेक किया था, ये जो फिगर्स आ रहे हैं इन लोगों का फासला 85 लाख का है, 55 लाख का या 50 लाख का नहीं है। मतलब इनको मिले हैं 2,95,000 वोट और उनको मिले 2,95,00,000। और मैं दोनों गठबंधन की बात कर रहा था, मैंने इसको देखा था। हाँ, गठबंधन ही की, गठबंधन के वोट है 2,95,00,000 और 3,80,00,000। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि 50 लाख में फासला बहुत था, तो अच्छी फाइट तो नहीं लड़े मेरे मेरे हिसाब से। लेकिन मैं अब दो तीन चीजें बताऊं, अखिलेश यादव ने अपने क्या करने वाले हैं, अब अगर आप पीछे देखिए तो आपको क्लियर आ जाएगा। इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं, बहुत से लोग चाहते थे इलेक्शन पिटीशन कराना, लखनऊ में पूजा शुक्ला चाहती थी, वहां दीक्षित चाहते थे, इन्होंने मना किया, इन्होंने नहीं पाया इलेक्शन पिटीशन एटीशन क्या छोड़ो, तो वो शायद उस समय रीड नहीं कर पाए कि लड़ना ही नहीं चाहते। फिर आप देखिए ये शपथ में नहीं गए, ये फेस ही नहीं कर सकते। फिर आप देखिए सतीश महाना जी को अनअपोज्ड इन्होंने मान लिया कि स्पीकर है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप अनअपोज करते हैं तो गिव एंड टेक होता है कि भाई ठीक है हम तुम्हें स्पीकर मान लो, हम ये तो इन्होंने ये बिल्कुल साष्टांग सरेंडर कर दिए थे कि भैया आप घर पे जेल मत भेजना, बाकी कुछ कर लेना मेरे साथ। इसके बाद आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि जेल जाने से डरते हैं, क्या ये सच्चाई है या हाइपरबल है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कहीं कुछ देखिए जेल जाने से जो लोग डर के आगे जीत है। चिदंबरम को जेल में रख लिया ना, अब चिदंबरम को क्यों नहीं जेल भेज रहे हो फिर से भाई, क्योंकि अब उसके पास वो डर ही नहीं है। मैं बहुत से लोगों का, लालू यादव को जेल लिया भेज दिया, अब उनके घर का कोई दूसरा ना मीसा यादव को भेजा जा रहा है, ना तेजस्वी को, ना तेज प्रताप को, क्योंकि एक बार आप एक बार जेल की हवा खाए तो आप इसके बाद क्या कर लोगे। मैं एक और चीज इसलिए कह दूं कि वो इंपॉर्टेंट थी, ये जो अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं कोई अप्रत्याशित नहीं है। जब बीएसपी की सरकार थी तब भी ऐसे ही रिजल्ट आए थे, जब सपा की सरकार थी ये ठीक है, लेकिन अप्रत्याशित यह है कि 36 में से 9 सीट अनअपोज थी, वो 2 सीट पे 1,000 नहीं मिला वो तो है, 9 सीटों पे अनअपोज आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप वहां, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे। तो ये अखिलेश यादव को की बेसिक वो था कि वो सरेंडर के मूड में आ गए। अगर आप 36 में से 9 जगह अनअपोज जाने दे रहे हैं, बाकी जहां पे आप लड़ रहे हैं आप टोकन लड़ रहे हैं, तो ये एक, एक, एक संकेत ठीक नहीं, क्योंकि ये उनकी बार बार हर चीज से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस समय कन्फ्रंट बिल्कुल सरकार से करने के मूड में नहीं, वो कोई कोई बात नहीं करना चाहते। इनके इनके कैंडिडेट्स तो बाकायदा पिटते हुए दिखाई पड़े, पुलिस उनको उनके हाथ से पेपर जो लोग थे वो छीनते हुए दिखाई पड़े, उस पर तो इनको लड़ना चाहिए ना कम से कम। अगर अपने कैंडिडेट के साथ नहीं खड़े होंगे, आप अगर अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर आपके लिए कल कौन खड़ा होगा और क्यों आपके लड़ाई लड़ेगा? मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता सकता हूं कि बहुत पहले की बात है, जब मैं IPL 7 में था तो मैं मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू करने गया था, सुबह 8 बजे का इंटरव्यू फिक्स था, 8:05 था, वो लगभग कुर्सी में बैठ ही गए थे, तभी उनके पास जानकारी आई कि कहीं पे उनके कार्यकर्ता को लोगों ने पीट दिया है, उसका खून निकल रहा। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूं, वो गाड़ी लेके निकले और उसके बाद रात को 10 बजे लौटे वो, और फिर मैंने कहा तो मैं बहुत थक गया, मैंने कहा अभी आपको इंटरव्यू देना, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया। ये मुलायम सिंह यादव थे कि अपने कार्यकर्ता को चोट लगी है तो इंटरव्यू छोड़ के वो गए, वो 10 मिनट बाद भी जा सकते थे। क्या ये यही तो फर्क है मुलायम में और उनके बेटे में? नहीं अशोक जी, और मैं फिर याद दिला दूं शरद भाई, बस एक चीज याद दिला दूं कि ऐसा नहीं था, इनके पास लोग थे। अनुराग भदौरिया को जूतों से मारते हुए हम सबके ने वो फोटो देखी है, वो आदमी तो इनके साथ है ना, लेकिन ये किसी के साथ खड़े ही नहीं होते। जब ये आजम खान के साथ नहीं खड़े हुए तो ये किसके साथ खड़े होंगे? और आज मुसलमान इस समय गुस्से में, उसके पास मुसलमान की दिक्कत क्या है? और मैं मुझे ये बात मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, इसमें मेरा दफ्तर कस्मंडा हाउस में, उसके पीछे जू के पास एक मस्जिद है, और मैं ये मुझे दुख हुआ इस बात का, मेरे दफ्तर के कुछ बच्चे हैं जो नमाज पढ़ने गए थे, वो आके बोले कि सर आज तो हद हो गई। हमने क्या, वहां पे जब आज जुमे की नमाज थी उस समय घंटा घड़ियाल लेके आ गया, अब वो बजाना मजीरा, और ये क्या हो रहा है? आप कम से कम कहीं जाके तो खड़े हो जाते,
आप किसी, आप लखनऊ में रहते हो, आप किसी जगह जाके खड़े हो जाते, जो आपका एक 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 वोटर जो आपके साथ खड़ा रहा है और जो आज आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो सिर्फ ये मांग रहा है कि हमारे साथ भैया जाती ना, ये कहीं खड़े होने, ये खड़े ही नहीं हो रहे हैं कहीं पे। जी सर भाई, हाँ देखिए, ये जो इन्होंने कहा आनंद वर्धन ने कि इसकी इसी का इससे और एक फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, सबने सबने सुना वो जो खैराबाद सीतापुर में मस्जिद के सामने एक बाबा ने जो है खुलेआम धमकी दी कि महिला मुस्लिम महिलाओं को किडनैप करके रेप कर देंगे। अखिलेश यादव के तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया उसके खिलाफ, और इस बात का इतना एंगर है, मैंने कई डिबेट्स में देखा किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने, एक्टिविस्ट ने जम के अखिलेश को कोसा कि क्या हमारा का, क्या इनका काम मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना है। और ये आप अच्छा, इनके सपोर्टर्स जो आर्ग्यूमेंट देते हैं आशुतोष, वो सबसे ज्यादा हास्यास्पद है और बचकाना है। कहते हैं कि साहब वो अगर मुस्लिम इश्यूज पे बोलेंगे तो उनकी लेबलिंग हो जाएगी कि वो मुस्लिम के नेता हैं। मैंने कहा और उससे हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, तो हमने उसका जवाब यही दिया कि भाई उस तरीके के हिंदू जो इतनी सी बात से इनको नकार देंगे, वो हिंदू इनके साथ वैसे भी नहीं है, तो ये किसको खुश कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे बड़ी यही है कि अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लीडर बन नहीं पाए हैं, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही टिमिड और डरपोक आदमी, और उनमें कुवत नहीं है अपने पिता की तरह से फाइट करने की किसी को के खिलाफ, और बहुत जल्दी डर जाते हैं। वो जो जेल वाली बात कह रहे हैं आनंद वर्धन, बिल्कुल सही है, उनको ये अंदर अंदर ये डर लगा रहता है, और शायद यही वजह है कि वो पिछले 4.5 साल खामोश रहे, अब इलेक्शन खत्म हो गया फिर से शांत हो गए। आजम खान के सेक्रेटरी ने जिस तरीके की बातें इनके बारे में कह दी हैं खुलेआम, शफीकुर रहमान बर्ग जो पार्टी के एमपी हैं उन्होंने बोला है ये मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। इनको शायद ये गलत फहमी हो गई है, एक तो मुस्लिम्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने, और ये सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ा, और समस्या एक बड़ी और है, ये जो इनकी जो हालत है इस वक्त, वो इनको आदत पड़ चुकी थी साइकोफेंट्स की, चाटुकारों की, तो वही आज फिर से हावी हो गए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।